हे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और नॉलेज वाला वीडियो मैं आपको आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जो हमारा सीलिंग है ये हमारा प्लेन सीलिंग जिप्सम बोर्ड का सीलिंग होके हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका अपडेट भी मैं आप लोगों को दिया था कि हमारा जो वायरिंग वगैरह होता है वो कैसे करना होता है, फॉल्स सीलिंग के वायरिंग क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं बेल बटन में मैं दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंपाउंड मारना होता है या फिर आप जो जिप्सम बोर्ड का ज्वाइंट कैसे इसको फिल कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें कंपाउंड मारते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या मटेरियल लगता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा सीलिंग, ये हमारा फॉल सीलिंग का पूरा, ये आप देख सकते हैं ये जगह है हमारा पूरा फॉल सीलिंग का, है ना। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने बोर्ड मारा हुआ है, ये बोर्ड आपका मारा हुआ है, इधर से एक बोर्ड मारा हुआ है, तो ये जहां जहां भी ज्वाइंट आ रहा है, मान लीजिए जहां जहां भी ज्वाइंट आ रहा है, वो ज्वाइंट में सबसे पहले ये आपको ये जो हमारा टेप है इसको हम लोग फाइबर टेप बोलते हैं। ये आपका फाइबर टेप, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ा एडिसिव वगैरह होता है, तो जब आप इसको मारते हैं तो ये आपका आराम से ये सीलिंग में चिपक जाता है। तो इसको आपको फाइबर टेप को लगा के ही आपको कंपाउंड मारना है। तो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि बहुत लोग डायरेक्ट पुट्टी मार देते हैं बिना कंपाउंड का, बिना फाइबर टेप का डायरेक्ट सीलिंग में पुट्टी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। आपको डायरेक्ट कभी भी फॉल सीलिंग में पहले पुट्टी नहीं मारना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ जो प्रोसेस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप जैसे ये टेप देख रहे हैं जहां पे ये ज्वाइंट आएगा, ये ज्वाइंट के पास जैसे मान लीजिए हम लोग पहले से फाइबर टेप लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले वो बंदा हमारा ज्वाइंट टेप में, ज्वाइंट जो है मिडिल में रख के, ये टेप को मिडिल में रख के आपको ये टेप मारना है। और टेप काटने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए, ऐसे हम लोग हाथ लगाए, ये आपका टेप बैठ गया। अब सिर्फ फाइबर से इसको आपको टेप से जो है आराम से इसको कटिंग कर देना है। ये आपका टेप मार लिए, टेप मारने के बाद अब यहाँ पे बारी आता है इसका कंपाउंड का। तो कंपाउंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा कंपाउंड का बैग है जो कि 20 केजी का कंपाउंड आता है। यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइंटिंग कंपाउंड जिप्सम, तो इसको पुट्टी की तरह ऐसे मिक्स किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं जैसे पुट्टी के लिए मिक्स किया जाता है, ऐसा पुट्टी के प्रोसेस में ये ऐसा फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। जो मेरा फाइबर में ये दिखाएंगे बंदा, इसको दिखाऊंगा, ये आपका फाइबर से, ये जो आपका दो फाइबर है, अब ये दोनों फाइबर से ये मिडिल में पहले एक कोट आपको मारना पड़ता है। एक कोट आप मार लीजिए पूरा, इसको आप साथ ही साथ दो कोट भी मार सकते हैं, और कभी कभी आप इसको पूरा ड्राई करने के बाद आप इसको बाद में भी एक कोट मार सकते हैं, तो वो दोनों ही प्रोसेस में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कोट पहले मार लीजिए, पूरा एक कोट रिपीट कर लीजिए, फिर से एक कोट मारिए, ताकि वो चीज जो ज्वाइंट है वो अच्छे से, वो जो उसका थिकनेस है कंपाउंड का, वो ज्यादा होने की वजह से क्रैक ना हो जाए। तो इसके वजह से ये हम लोगों ने सिंगल मारा है, बाद में फिर से हम लोग एक कोट इसमें ये करेंगे। और जहां जहां आपका स्क्रू है, जैसे आप ये स्क्रू वगैरह देख रहे हैं, ये स्क्रू में हम लोगों ने यहां पर भी कंपाउंड वगैरह दिया है, तो ताकि स्क्रू दिखे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे फॉल सीलिंग को, जिप्सम फॉल सीलिंग को कंपाउंड और फाइबर टेप के हेल्प से आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वीडियो बना के आप लोग के लिए बताऊंगा कि कैसे ये कंपाउंड मारने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, रंग कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग सीलिंग को और अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो आगे देखना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।